बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के किसी के भी आप पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए इंतहाई अहम ये पेपर है। ये इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का है। अगर इसी तरह फैसलाबाद, लाहौर, कराची, केपी के किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का आप पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए मैंने इसके अंदर बहुत अहम टिप्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस किए हैं जो आने वाले पेपरों के लिए आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जिस इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की आप सिलेबस पेपर दे रहे हैं उसका सिलेबस जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से जाके सिलेबस भी मालूम कर सकते हैं। पास्ट पेपर भी उसके रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई भी पेपर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बड़े चैनल के ऊपर आप ये देख सकते हैं। चलो पेपर की तरफ दोस्तों चलते हैं। जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड MS पावर पॉइंट व्यू। दोस्तों ये क्वेश्चन ये घुमा फिरा के तकरीबन कई दफ़ा आ चुका है तो मैंने इसलिए किसी में ये नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड व्यू, नोट्स व्यू वगैरह होता है और इसमें इसने कुछ और चीज़ें डाली हैं तो रीडिंग व्यू जो है ये नहीं है। बाकी स्लाइड शो, नोट्स पेज, नॉर्मल व्यू जो है ये सारे MS पावर पॉइंट के व्यूज़ के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, हु इज़ द करंट फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इंटीरियर मिनिस्टर इजाज़ अहमद शाह जो करंट पाकिस्तान के यानी कि वजीरे दाखला कौन है तो वो इजाज़ अहमद शाह साहब हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 कैदे आजम टुक ओथ एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे पाकिस्तान 1947। और ये भी साथ याद रख लेना कि कब उन्होंने ओथ लिया था, 15 अगस्त को। उनसे किन्होंने ओथ लिया था ये भी क्वेश्चन बड़ी दफ़ा आ चुका है। उनसे उस वक्त के जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अब्दुल रशीद साहब ने लिया था। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल जो कैदे आजम थे ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई दफ़ा कि इनसे किसने ओथ लिया था, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ लाइन। तो होम के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर जो है उस लाइन के शुरू में आ जाएगा। अगर कंट्रोल होम करेंगे तो पेज के शुरू में आ जाएगा। इसी तरह एंड अगर क्लिक करेंगे कि बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो लाइन है उसके एंड पे चला जाएगा, जबकि अगर कंट्रोल एंड करेंगे तो पूरे पेज के एंड पे चला जाएगा। इफ़ वी टाइप इन करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए वर्ड इन MS वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। तो ऑटो करेक्ट की जो दोस्तों ऑप्शन होती है ये इसको ऑटोमेटिक सही कर देती है। इलाहाबाद सेशन वॉज हैड इन 1930। तो ये दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था और क्या ये इसलिए अहम है, इसको अवल स्पीच भी कहा जाता है। ये इसलिए अहम है कि यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के यानी कि उन्होंने कहा था कि जिन इलाकों में अक्सरियत है मुसलमानों की वो अलहदा कर दिए जाएँ। तो इसको ये भी कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे ख्वाब देखा था। विच मेन्यू शुड वी यूज इफ़ वी वॉन्ट टू एड क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट दोस्तों ऐड करने का आसान तरीका है, आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ के ऊपर क्लिप आर्ट की ऑप्शन होगी, वहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इन MS Excel वी वांट टू ऐड ए मैथमेटिकल सिंबल विच कैन नॉट बी टाइप थ्रू कीबोर्ड। कहता है कि कुछ सिंबल जो कीबोर्ड से हम टाइप नहीं कर सकते उसको हम अगर ऐड करना चाहें तो उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इंसर्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सिंबल की एंड पे राइट साइड के ऊपर ऑप्शन होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। और उस सिंबल के साथ एक स्पेशल चार करेक्टर की भी होती है ऑप्शन, तो लिहाजा सिर्फ यहाँ पर उसने स्पेशल करेक्टर चूज करने के लिए डाला होता है, वैसे तो स्पेशल करके सैम्बल के साथ आता है। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। पार्लियामेंट अफेयर का कौन है, तो मोहम्मद आजम सवाती साहब जो है वो करंट पार्लियामेंट अफेयर के हैं, जबकि अली मोहम्मद खान फेडरल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है लेकिन है ये भी पार्लियामेंट के ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एडिट ए चार्ट इन MS Excel। तो लेफ्ट क्लिक की जब करेंगे चार्ट के ऊपर तो वहाँ से वो ऑप्शन आपको एडिट करने की आ जाएगी, आप फिर उसको एडिट ऊपर नीचे जैसे करना चाहें कर सकते हैं। एथिक्स इज द सिस्टम ऑफ, तो प्रिंसिपल जो है एथिक्स का प्रिंसिपल एक सिस्टम है, इसका प्रिंसिपल कहेंगे, इसका जवाब प्रिंसिपल है। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन MS Excel।
इन एम एस पावर पॉइंट विच विल बी द राइट चॉइस। तो दोस्तों अगर आप सेव है आपके कंप्यूटर में ऑप्शन कोई फाइल, तो आप सबसे पहले पावर पॉइंट ऑन करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ओ करेंगे, तो वो आपके सामने शो करेगा कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, तो उसे आप खोल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करूं, तो उसके कंट्रोल एन करेंगे। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछता है कि नई स्लाइड ऐड करने के लिए क्या होता है, तो कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ऐड होती है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये आ चुके हैं और आ भी NTS में चुके हैं। द डेजर्ट इन दी भावलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब इज नोन एज। दोस्तों जो रोही डेजर्ट है ये चोलिस्तान को कहा जाता है। चोलिस्तान या रोही डेजर्ट एक ही है, ये भावलपुर के इलाका में है। और दोस्तों अगर आपको ये PDF में डाउनलोड करनी है, तो इसका पासवर्ड रोही है, सारा छोटा लिखना है, ROHI छोटे लिखेंगे तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड MS ऑफिस डॉक्यूमेंट। दोस्तों DOCX जो होता है ये वर्ड के लिए होता है, PPTX ये पावर पॉइंट के लिए होता है, VOB वीडियो फाइल के लिए होता है, DOC डॉक्यूमेंट ये भी ऑफिस वर्ड के लिए होता है। व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एट दी टाइम, जब पाकिस्तान बना था एट द टाइम पाकिस्तान हैड प्रोविंस, तो उस वक्त पाकिस्तान के कितने सूबे थे। पाकिस्तान के उस वक्त 5 सूबे थे, मशरकी बंगाल, ईस्ट बंगाल जिसको कहा जाता है, जनूबी पंजाब, दोस्तों मगरबी सॉरी मशरकी बंगाल और मगरबी पंजाब, सिंध जो है, इसके अलावा NWFP जिसको अभी KPK कहा जाता है, बलोचिस्तान जो है उस वक्त ये सूबा था लेकिन चीफ कमिश्नर प्रोविंस इसको कहा जाता था। 1970 के अंदर ये सही सूबा बना था। ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाए कि सूबा कब बना, और उस वक्त बलोचिस्तान जो है 1970 के अंदर बना था। द बेसिक ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामिक आइडियालॉजी यानी कि इस्लामी दो कमी नज़रिया, जिसको इस्लामी नज़रिया हम कहते हैं, इस्लामी नज़रिया इसके पीछे था। हाउ मैनी टाइम्स है द वर्ड सलात प्रेज़ यानी कि नमाज का लफ्ज़ कितनी दफ़ा कुरान पाक में मेंशन है, 700 दफ़ा हुआ था। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कितने नबियों के नाम के ऊपर सूरतें हैं, ये आपने क्वेश्चन मुझे कमेंट्स में बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आप एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सारे छोड़ के चले जाएंगे, इसके अंदर व्यूज़ बहुत कम होते हैं क्योंकि पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। तो अगर लाइक करेंगे तो हम सबका फ़ायदा होगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है PDF का ऑलरेडी मैंने दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कोई भी पास पेपर चाहिए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज़ दो में जा रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।